कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज का जो शिकारा रैली जो हमने करी थी, इसमें 50 शिकारी जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम है, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ को जो है मनाने का फैसला किया गया है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा राव भीमराव अम्बेडकर साहब की जो है वो उसकी का जन्मदिन है, और इस दिन को काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और इंडिया की इंडिपेंडेंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस दिन को। और इस दिन को इस जो है मनाने के लिए जो बहुत सारे हमारे यहाँ मुल्क में और J&K UT में प्रोग्राम्स किए गए, इस हवाले से यहाँ भी श्रीनगर में हमने इसमें शिकारा रैली का एक प्रोग्राम रखा। तो इसमें आपने देखा जैसे कि बहुत सारे जो है हमारे टूरिस्ट्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ जो है बाकी विजिटर्स होते हैं, तो उनको एक पता लग जाता है कि ये जो रैली चल रही है ये किस हवाले से चल रही है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा उन लोगों के अंदर भी जो है एक अवेयरनेस आ जाती है। तो इस असल में बुनियादी मकसद है कि आज के दिन को और भी एक अच्छी तरीके से मनाने के लिए, और शिकारा इटसेल्फ एक अच्छी जो है वो एक टूरिज़्म के हवाले से एक अच्छी चीज़ है और एक प्रेजेंटेशन हमारी है, तो इसलिए आज हमने भी एक शिकारा रैली निकाली थी कि आज के दिन को जो है अच्छी तरीके से मनाया। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल, जब आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे विंटर्स में जो टूरिज़्म का बम्पर सीज़न रहा, उसका मेरे ख्याल से दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बहुत ही विग्रस कम्पेन चलाई, चाहे वो मुल्क के बहुत सारी जो है सिटीज़ में हों, 21 सिटीज़ में हमने एक मुहिम चलाई। उसके बाद हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि जिस तरीके से यहाँ में हमने कोविड मैनेजमेंट किया J&K UT में, और कोविड कंट्रोल रहा और SOPs को फॉलो करते रहे, उससे लोगों में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहा। जो भी यहाँ टूरिस्ट हजरात आए या आने वाले थे, उनको एक कॉन्फिडेंस था कि अगर हम कश्मीर जाएंगे या जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे वहाँ सेफ़ है, और अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट से लेकर के जिस डेस्टिनेशन पे भी जाते हैं तो वहाँ तक जो है बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है। तो इस हवाले से अभी जो है सिचुएशन डेवलपिंग है मुल्क के कुछ रियासतों में, महाराष्ट्र जहाँ से हमारा मैक्सिमम टूरिस्ट आता है वहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अभी एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल्स के जरिए से जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और हमने इवन होटलियर्स जो हमारे हैं सपोर्टिंग स्टाफ जो है उनको भी सेंसिटाइज किया है, और हमारी तरफ से भी जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उस हवाले से जो है अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती जाएगी और जैसे जैसे जो है हमारा टूरिज़्म का आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो सिचुएशन डिसाइड करेगी कि कैसे टूरिज़्म आगे, लेकिन हमारी ये अपेक्षा है, हमारी यही उम्मीद है कि टूरिज़्म एक अच्छा सीज़न हमारा जा रहा है और अभी तक बिल्कुल ठीक तरह से जा रहा है। Thanks for watching Kashmir News Service.